हेलो व्हाट्सअप एवरी वन, माई नेम इज मुकुन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर एट कृष्णा व्हील्स और आज हम करने वाले रिव्यू द ऑल न्यू क्लासिक 350, द क्लासिक रीबॉर्न। सो गाइज, अगर आप अहमदाबाद में हो और आपको क्लासिक वेरिएंट देखनी हो तो कृष्णा व्हील्स पे अभी राइट नाउ अवेलेबल है और 2 मंथ्स की वेटिंग है। अगर आपको परचेस करनी हो तो मैंने कॉन्टैक्ट सारी डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, हियर इज द क्लासिक 315 न्यू जनरेशन 2021। सो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, क्रोम ब्रॉन्ज, और इसकी ऑनरोड प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसकी ऑनरोड प्राइस राइट नाउ अहमदाबाद में 2,51,000 है और इसमें यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, रेड और ब्रॉन्ज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द न्यू क्लासिक इंजन। सो ये यहाँ पे आपको जेवन प्लेटफॉर्म पे इंजन देखने को मिलता है, 349 cc एयर कूल्ड है जो पावर प्रोड्यूस करता है अराउंड 20.2 bhp और टॉर्क यहाँ पे आपको 27 Nm जितना देखने को मिलता है। इसके साथ 5-speed ट्रांसमिशन एंड जो पुरानी क्लासिक में यहाँ पे आपको सिंगल क्रेडल फ्रेम देखने को मिलती थी, बट अभी यहाँ पे आपको ड्यूअल क्रेडल देखने को मिलेगी जिससे आपको हैंडलिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी, वाइब्रेशन काफ़ी कम हो चुकी है और पूरा नया इंजन होने की वजह से यहाँ पे आपको थंब भी एग्जॉस्ट नॉट में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, जो हम आगे वीडियोज में बात करेंगे। नाउ कमिंग टू द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द बाइक। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको फोक जो 37 mm से इंक्रीज करके 41 mm कर दी है जिससे आपको हैंडलिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी और कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा इस बाइक में देखने को मिलेगा। और हेलोजन हेडलैम्प विथ हेलोजन साइड इंडिकेटर। सो रेट्रो स्टाइल बाइक है तो ये आपको मिलना ही था, यहाँ पे आपको कोई LED नहीं देखने को मिलती, बट रेट्रो स्टाइल बाइक में ये सभी फीचर्स और ओल्ड क्लासिक की यहाँ पे आपको फील प्रोवाइड करती है ये बाइक। नाउ टायर्स के बारे में बात करते हैं, तो टायर्स यहाँ पे आपको दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रिम एंड एलॉयज। सो आपको अगर इस वेरिएंट में भी एलॉयज फिट करवाने हो तो आप करवा सकते हैं एज ए एसेसरीज। टायर साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 100x90 का 19 इंच का टायर देखने को मिलता है जो पुरानी क्लासिक से साइज़ इंक्रीज़ कर दी है जिसकी वजह से आपको और भी अच्छा कंफर्ट इस बाइक में मिलेगा। अभी बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। सो ब्रेक्स यहाँ पे आपको कम्पेयर टू ओल्ड क्लासिक लार्जर देखने को मिलेगी, 300 mm की डिस्क मिलती है विथ बाइब्रेक कैलिपर्स। ब्रेक की बाइट काफ़ी अच्छी है और रियर में आपको 270 mm की डिस्क मिलेगी और ड्यूअल चैनल ABS और सिंगल चैनल ABS में अवेलेबल है। सिंगल चैनल ABS ओनली रेडिच एडिशन में आपको मिलेगा। सो अभी बात करते हैं जो ये नया कलर आया है उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस है। सो पहले ये जो लोगो है वो आपको इंटरसेप्टर में मिलता था, सो टॉप एंड वेरिएंट में ये इंटरसेप्टर वाला लोगो क्लासिक 350 में मिलेगा। फुटपैक और जो ब्रेक पैडल है उसकी भी डिज़ाइन पूरी चेंज की गई है। क्रोम वाला वेरिएंट है सो आप देख सकते हैं कि केसिंग क्रोम के साथ मिलेगी, एग्जॉस्ट भी क्रोम मिलेगा। न्यू क्लासिक का लोगो आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी मिलेगी कम्पेयर टू ऑल क्लासिक और काफ़ी स्टर्डी ओवरऑल लुक प्रोवाइड करती है ये बाइक। एंड ब्रॉन्ज कलर काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है और ये कबीर सी एडिशन की आपको यहाँ पर फील प्रोवाइड करता है। सो अब बात करते हैं एक मेजर चेंज जो काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि फ्यूल गॉज। फाइनली 2021 क्लासिक में यहाँ पर को फ्यूल गॉज देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं और भी फीचर्स। सो डिजिटल छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो ओवरऑल रेट्रो लुक को स्पॉइल नहीं करती और काफ़ी अच्छा लुक ये प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पर आप टॉगल कर सकते हैं। सो फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो टाइम देखने को मिल जाएगा, ओडो, ट्रिप 1, ट्रिप 2, वो सभी फीचर्स यहाँ पे आपको, इग्निशन और की स्लॉट यहाँ पे आपको मिलेगा और इस साइड यहाँ पे आप ट्रिपल नेविगेशन लगा सकते हैं। अभी राइट नाउ जो चिप की शॉर्टेज चली है इसकी वजह से रॉयल एनफील्ड इन फ्यूचर ये आपको एज एसेसरीज प्रोवाइड करेगी, सो आप एक्स्ट्रा परचेस करके ये उनके डीलरशिप या फिर सर्विस सेंटर से आप लगा सकेंगे। अभी न्यू आपको स्विच गियर्स देखने को मिलेंगे, स्टार्टर और किल स्विच दोनों ही एक में कर दिए है आप देख सकते हैं, और हैजार्ड स्विच यहाँ पे आपको मिलेगा, क्रोम हैंडल बार और क्रोम साइड मिरर्स मिलेंगे और इस साइड भी यहाँ पे आपको पास की स्विच यहाँ और हाई बीम लो बीम साइड इंडिकेटर्स की स्विच यहाँ और हॉर्न यहाँ पे आपको मिलेगा। टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो अराउंड 30 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी है और फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं तो 30 से 35 km/h आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगो देख सकते हैं कि लोगो में भी आपको क्रोम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल के बारे में।
न्यू शेप में राउंड आई देखने को मिलेगी, और ये सेक्शन है वो पहले से डिज़ाइन वाइज थोड़ा चेंज किया गया है। और यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर हैलोजन मिलेगा। टायर्स के बारे में बात करते हैं तो 120 का टायर रियर में आपको मिलेगा, कंपेयर टू ओल्ड टायर की साइज़ बढ़ा दी है। और एक मेजर चेंज, चेन स्प्रॉकेट वो पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आता था और डिस्क लेफ्ट हैंड साइड पे, सो अब यहाँ पे पूरा उल्टा किया गया है। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड चेन स्प्रॉकेट और राइट हैंड साइड डिस्क मिलेगी। अब बात करते हैं सीट के कंफर्ट के बारे में। तो सीट पे पहले यहाँ से आपको स्प्रिंग हटवा दी है और सीट की डिज़ाइन और भी अच्छी तरह से कर दी है, जिसकी वजह से आपको और भी ओवरऑल अच्छा कंफर्ट मिलेगा। और पिलियन सीट में भी आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग और थोड़ी ब्रॉड सीट कर दी है, सो पिलियन कंफर्ट में भी ये बाइक को निराश नहीं करेगी। सो गाइस अब सुनते हैं क्लासिक 350 न्यू जनरेशन का एग्जॉस्ट नॉट। तो एग्जॉस्ट नॉट में आपको बेज और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे आपको स्मूथनेस देखने को मिलती है, और BS6 वेरिएंट में जब भी अपग्रेड हुई थी तो इतना ज़्यादा बेज नहीं देखने को मिलता था, बट यहाँ पे आपको बेज काफ़ी अच्छा मिलेगा और एक स्मूथिंग साउंड ओवरऑल मिलती है। और आई थिंक यहाँ पे आपको अगर एग्जॉस्ट चेंज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट और भी बंदे यहाँ पे एग्जॉस्ट चेंज करवाएंगे पुरानी क्लासिक वाला फील लेने के लिए। सो गाइस ये थी ओवरऑल क्लासिक 350। इस बाइक के बारे में आपके क्या थॉट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस बाइक को परचेस करनी हो तो मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारे दे दिए कृष्णा व्हील्स के, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और 2 मंथ्स का वेटिंग इस बाइक पर है, सो वो कंसिडर करके आप ये बाइक परचेस कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।